पैकिंग चल रही है फ्रेंड्स, और अभी सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ रखें, क्योंकि पुप्पी ने इतनी सारी चीजें ला के दे दी है। इस झोले में भी है, दूसरी पुप्पी ने दूसरी चीजें दे दी है, अम्मा ने अम्मी के लिए भाजी भेजी है, अभी मंगाई है स्पेशल खेत से। बस ये है कि रास्ते पर खराब ना हो, बस हम ये सारी चीजें पैकिंग वैकिंग करके आपसे मिलते हैं। खाने की चीजें अच्छे से पैक करनी पड़ती है, वरना ऐसा ना हो कि रास्ते में खुल जाए। तो आपने एकदम गिफ्ट रैप की तरह पैक कर दिया है। फ्रेंड्स लंच कर लेते हैं, बने हैं दाल चावल आलू मेथी की सब्जी, उसके बाद निकलेंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है, आपका सनी भी ठीक है। बस हम लोग अभी निकलने वाले हैं मुंबई के लिए। लास्ट की कुछ चीजें हैं, कुछ स्टोरी अनबॉक्सिंग करनी है, क्योंकि पार्सल्स यहां रहती हूं तो यहां के एड्रेस पे आ जाते हैं, फिर वहां रहती हूं तो उधर चले जाते हैं। तो जिन्होंने यहां भेजा है उनको यहां से करके जाते हैं। तो ये सारे शायद हिजाब से हैं, सूट्स भी आए हैं। लेबल बाय आरजू की तरफ से बहुत ही प्यारा सा ये सूट आया है, इसे ओपन करके हमें इंस्टाग्राम पे दिखाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे इसे दिखा दिया है, अभी इसे तह लगा के सूट के फिर रख लेंगे, तो वहीं पे जाके स्टिच करा लेंगे। और ये वाला आया है हमें अनुरूप की तरफ से, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखी है। सूट भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, ओपन करके इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, कितना क्लासी लग रहा है, थैंक यू सो मच। हिजाब एसेंस वालों ने अभी से उम्रा के लिए सारी चीजें भेज दी है, लेकिन इंशाल्लाह आप जल्द उम्रा पे जाओगे डियर। तो ये उम्रा के लिए से खेमार कहते हैं शायद, फिर जब हम पहनेंगे इंशाल्लाह तब दिखाएंगे। स्टोरी ना यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी, मुंबई जा ही रहे हैं तो वहीं पे दिखाएंगे, रख लेते हैं। ये वाले कपड़े मुझे कल अम्मा ने स्पेशली दिलाए थे मुंबई पहन के जाने के लिए, रेडीमेड था तो मैंने अभी से जल्दी से पहन लिया है। बस अभी हम रेडी होंगे और निकलेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, कि स्किन जो है सर्दी में बहुत ज्यादा ड्राई होती है। मैं पहले भी कह चुकी थी कि सर्दियां हम सबको बहुत अच्छी लगती है, कोजी कोजी फील होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्किन जो हमारी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। लेकिन उसके लिए आयोगा ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो हमारी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे और हील भी करेंगे। तो मैं अभी लगा रही हूँ आयोगा का 5% नीम बादाम एंटी एक्ने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि इस मौसम में ज्यादा हम हीटर के सामने भी रहते हैं, स्किन ड्राई भी होती है ना, तो एक्ने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको आयोगा एज अ ब्रांड जो है वो भी बताना चाहती हूँ। एक आयुर्वेदा ब्रांड है जो ओल्ड एज रेसिपीज हमारे स्किन और हेयर के लिए चली आ रही थी, उसको उन्होंने हमें मॉडर्न डे फॉर्मेट में डाल के दे दिया है। मतलब जो पाउडर्स ऑयल्स जिन्हें ढूंढना लगाना थोड़ा मुश्किल था, अब उन्होंने हमें सीरम्स मॉइस्चराइजर और क्रीम्स के रूप में दे दिया, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई है। फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ना, ये नीम से, टी ट्री से और 26 प्रीशियस हर्ब से मिलके बना है, जो हमारे फेस पे एक्ने आने से बचाता है, साथ साथ हमारे स्किन को हील करता है, सूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। और देखिए इजीली एब्जॉर्ब हो गया है, बहुत लाइट वेट है। और फ्रेंड्स आयोगा के जो प्रोडक्ट्स है वो पीटा सर्टिफाइड, क्रुएल्टी फ्री है और मेड सेफ सर्टिफाइड भी, और वो ऑनेस्टली डिस्क्लोज भी करते हैं इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन अपने पैक में, जैसे कि 5% नीम बादाम एंटी एक्ने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आपको ये मॉइस्चराइजर अच्छा लगा है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, जो कि ayoga.in, वहाँ पे मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि है sabha20, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरी वालों को भी पिक करना है, चलिए चलते हैं। पर हम लोग वैसे भी लेट हो गए हैं, हमेशा की तरह, मेरी वजह से। नहीं तुम्हारी वजह से हो जाता है, सबको ऐसा लगता है, लेकिन पता है व्लॉग डालना एडिट करना बहुत लंबा टाइम है, सुन लो भैया। मैं जानता हूं भैया, मुझसे क्या सुना रही हूं, मैं तो जानता हूं ना। नदीम सबको भी बता रहे हैं काफी टाइम लगता है, जब आएंगे तो घर काफी ज्यादा बना दिखेगा। ठीक है मम्मी, आए फिर मैं आ रहा हूँ। पेटी खाला को ले लेते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। वहाँ पे मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बेटी खाला के घर के सामने जब भी आते जाते हैं तो यहाँ से दुआ करते रहते हैं। चलो मेहर बाय, जल्दी आएंगे। ठीक है बाय बाय, चलो बाय कर। झांसी पहुंच के मिलते हैं, अगर बीच में कहीं रुके तो भी मिलते हैं आपसे। अच्छा लो बढ़िया, पका 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 लिया है। रास्ते में रुके थे फ्रेंड्स चाय पीने के लिए, तो समोसे भी मंगा दिए सनी ने। और ये क्या खा रहे हो? देखो तो ये निकाला, चलो तुम ये खा। अफसोस तो बड़ा हो रहा होगा मौधा से दूर जाने का। मेरे खुशी हो रही है जाने की। बता भाई नाम बता। हमारे कहाँ पे रहते हो? में मौदा से आते हैं तो रुकते हैं, मौदा से जाते हैं तो रुकते हैं। चाय नाश्ता हो चुका है, अभी चलते हैं झांसी की तरफ। सो क्यूट, लगेगा नहीं? आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत दूर से आई है, पता चला कि आप आ रहे हो। नहीं चाहिए
मम्मी बहुत देख रही है आपके ब्लॉग। उनका नाम भी आगे पे। हाँ सब सबसे बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, फिर चलो। चैनल का नाम शुमाइलास वर्ल्ड, शुमाइलास वर्ल्ड इनके चैनल का नाम है, आप लोग भी देखें। भाई भी बिल्कुल वही ड्यूटी निभा रहे हैं जो मेरे हस्बैंड, यही काम है हमारे पास। जहाँ से पहुँच गए ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ की बहुत ही फेमस गुजिया है। सॉरी दिल्ली बोल रही हूँ, मेरे दिमाग से दिल्ली नहीं निकल रहा। बहुत ही फेमस गुजिया मिलती है रज़ाक की गुजिया, उसी की शॉप ढूंढ रहे हैं लोग कहाँ है। रज़ाक भाई की शॉप तो नहीं मिली, लेकिन एलाइट चौराहा में चाय की दुकान मिल गई है, तो वहाँ से हम सब ने चाय पी। सब साथ में ही रहते हैं आप? नहीं असल शॉपिंग भाई की बहुत बड़े फैन भी हैं, बहुत बड़े शोएब भाई के तो समझ ली दीवाने। भाई देखेंगे जी, जी बिल्कुल। शोएब भाई से तो बस ये है कि कभी भी मुलाकात होगी ना, वो तो उस वक्त कुछ बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आधे घंटे अभी हमारी ट्रेन आने में है, मुझे अपना व्लॉग एडिट करना था, तो मैं यहाँ पे कार में बैठ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ। बेटी खाले बैठे बैठे थक गई थी तो थोड़ा नीचे खड़ी हो गई है, ये कार में इतनी दूर से आई, आपको पता है उसे चक्कर आते हैं। अल्लाह हाफिज़, शायद आप फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। धीरे धीरे चलो, उससे आओ ना, चलो हम भी चलता हूँ। हम लोग जा रहे हैं सीढ़ी से भैया, अब डर लगता है तो लगता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इतनी सी लिफ्ट है, जाना सबको एक साथ है, किसी को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ट्रेन हमारी आई है 9:59 पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉग यहाँ से हमारा अपलोड हो जाए, लेकिन होगा नहीं, चांसेस नहीं होगा। ट्राई करते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बेटी खाना हमारे साथ आज पहली बार राजधानी में जा रही है, हम तीनों के लिए 3 बॉटल पानी भी आ गया। पानी इतना ख्याल रखते, 2-2 मिनट में सारे लोग आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, पर्दा भी लगा लो, ये कर लो, सारी चीजें अच्छी है ना। 5 स्टार का खाना भी है। सब लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद हमने उनसे चाय मांगी थी, उन्होंने चाय दी थी, और व्लॉग अपलोड करने के लिए हम यहाँ बाहर आके खड़े थे, और स्पीड जो है वो बाहर काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी, और मैंने सनी से कहा कि मेरा फुल आउटफिट भी दिखा दो, तो बस वो किया। उसके बाद अपना बिस्तर किया हम सब ने। भोपाल आए हुए हैं तो हम देखने आ गए बाहर। सारा को नहीं बुलाया क्योंकि ठंड बहुत है ना। बेटी खाला जो है फ्रेंड्स वो सो चुकी है बहुत पहले ही, हम लोग भी सो जाते हैं। ये है सनी का बिस्तर, तो मेरा बिस्तर, ये मेरा बिस्तर। ऐसे कह रही चलो मैं चढ़ती हूँ जैसे कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही हो। यार हद है यार, सीढ़ी दी हुई है, सीढ़ी दी हुई है, सीढ़ी में तो हम फिट ही नहीं हो रहे। वहाँ चढ़ो, बंदरों की लटकी वहाँ पे। तोड़ मत देना, हॉस्टल जैसा लग रहा है ना। तुमने कभी हॉस्टल का मतलब नहीं, फिल्मों में देखो। भाजी जो अम्मा ने भेजी है सनी, इसको खोल के रख रहा है क्योंकि रास्ते में फिर बंद रहेगी ना तो सड़ जाएगी। फ्रेंड्स जिंदगी में किसी किसी को चीज का नशा हो जाता है ना, ऐसे मुझे इसका नशा हो गया अमरूद का, मुझे ट्रेन में भी चाहिए। अल्लाह हाफिज। मुंह ही नहीं दिख रहा अमरूद, इतनी इतनी बुरी किस्मत थी, आराम से ऊपर बैठ कर लेट के खा रही थी, इतनी खट्टी निकली थी कि डस्टबिन में डाल के आना पड़ा। अल्लाह माफ करे, ना इतनी मुश्किल से मशक्कत से चढ़े थे और फिर उतरना। फ्रेंड्स हम लोग आ गए CST स्टेशन, और शायद रिजा रिहान भी आए हुए हैं, तो चलिए उनसे भी मिलते हैं। और चलो बेटी का हमारी मामू ने शकरकंद भेजी है, ये खाने का अलग झोला है, झोले का साथ नहीं छूटेगा। चलो छोड़ा तो नहीं, देख ले एक बार, अंदर आ गए। अल्लाह खांसी आ रही है, आवा को मुझे और इसको जल्दी आ गए, मतलब ये लोग चाहते थे लेट आए हम, और लेट आए की ज्यादा खांसी। सनी वेलकम टू मुंबई, हमारा वेलकम है मुंबई में, हो गया हमारा वेलकम। ये लोग आ गए हमारे वेलकम के लिए, थैंक यू। ये
न्यू कार नहीं कर रही और ड्राइवर अब्दुल भाई धर्म दादा अच्छा मैं नहीं नहीं आप अरे उसको प्रॉब्लम कार की नहीं है प्रॉब्लम ये कि उसको वॉमिट होती है इस चीज का जा नहीं तो मैं कह रही हूँ नहीं आएगी उल्टी इसमें धम में से गेट मारने की जरूरत नहीं है इतना आराम से ही बंद जाओ बैठ जाओ आगे क्यों सनी भाई को यहाँ बैठना चाहिए वो आगे बैठेंगे हमारा बैठने का मसला ही नहीं सॉल्व हो रहा है वो मोधा में मेरे साथ ही बैठते आगे ही बैठते हैं ने कह दिया तो बेचारे को पीछे बैठना पड़ा लेकिन अच्छा किया थैंक यू तुमने कुछ ठंडा खाया था बस परसों आइसक्रीम क्यों खाई थी अब वहाँ गए थे इतने दिन से नहीं खाई सबने खाई आऊ ने भी रिहान ने भी आऊ ने खाई थी लेकिन आऊ को खांसी नहीं थी ना तो मैं खांसी में और खांसी बढ़ गई अब चल के डॉक्टर को दिखाएंगे ये वाली कार में तो सनी अंदर भी कितना अच्छा आता है देखो ऐसा लगा बाहर रोड में घूम रहे हैं ना कुछ रोशनी आ रही है ना ऊपर तो और पीछे से भी पीछे वाला भी पीछे भी खुला है पूरी खुली कार है बहुत अच्छी है हम भाभी की आज नई वाली कार में पहली बार बैठे हैं बड़ी खुशी हो रही है तुम बना के लाई थी घर से बना के लाई थी अरे अपने लिए हमारे लिए अरे तुम्हारे लिए रिहान कह रहा है उसने खा लिया तीन बॉक्स बनाया ना एक बॉक्स तुम्हारे लिए एक बॉक्स रिहान के लिए एक बॉक्स मेरे लिए उसमें तीन है और सनी भाई हाँ तो है ना वो डब्बा तो खोलो ये नहीं सबसे बड़ा वाला डब्बा खोलो तो पूरा मोहल्ला खा लेगा वो इतने सारे हम लोग को नाश्ता देने के लिए आए थे लेकिन नींद में सनी भाई ने कह दिया नहीं खाना नहीं खाना और तीन बजे तक तो रिजा मैं एडिट कर रही थी मैंने सोचा ट्रेन में ही कर लूँ वरना मुंबई जाते साथ क्योंकि रिजा एयरफोन नहीं लगाया था तो वो बच रहा था मैं तुम सबके लिए एडिट कर रही थी कि मैं मुंबई जाके बिजी ना हूँ अच्छा किया ना अब तू का न्यू सॉन्ग आया ना कितनी अच्छी है शर्फी कैसा लगा बहुत अच्छी है कंफर्टेबल है और खुली खुली है ये भाई वाली से भी ऊंची है क्या हाँ मम्मी पहले आ गई वेलकम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आधे समय में मुझे घुड़ाना शुरू कर दिया नहीं हो पाया कैप्चर तो नहीं हो पाया घर खुला खुला लग रहा है खुशबू नहीं तो पता चल रही है खुशबू तो आ रही है पर ये कुछ अलग खुशबू है पुलाव बनाया है क्या कुछ अच्छा रेड रेड होता है रेड रेड क्या होता है अम्मी मेथी तोड़ रही थी इतना तो मुझे पता था लाल लाल क्या होता है हलवा परवीन वहाँ पे हो ठीक है अभी मिलते हैं हाँ क्या बनाया अम्मी चिकन अल्हम्दुलिल्लाह 1:15 हम लोग आ चुके हैं अपने घर सनी बहुत ज्यादा थका हुआ है तो वो जाएगा सोने हम बैठ के अम्मी से करेंगे बात आप सबको भी पंचायत करेंगे हाय कर लो सबसे सलाम कर लो अस्सलाम वालेकुम सबको छोटे बड़ों का अम्मी का प्यार भरा सलाम अल्लाह सबको खुश रख पता है अम्मी जितने भी लोग मिलते हैं जहाँ भी अजमेर में दिल्ली में हर जगह सब कहते हैं अम्मी का सलाम अच्छा लगता है अम्मी जहाँ भी हम जाते हैं सब कहते हैं अम्मी आपकी बहुत अच्छी है और आप जो आज इस काबिल हो तो आपकी अम्मी की भी दुआएं हैं वलियों का साथ भी नहीं छोड़ना अल्लाह को भी लेके चलो लेकिन माँ बाप की भी दुआएं होती हैं तो हमने कहा आप सबके सामने अम्मी को बता देते हैं कि आप लोग अम्मी की तारीफ कर रहे थे अम्मी आपको कुछ कहना उनसे बहुत बहुत सबके लिए शुक्रिया कि अम्मी की तारीफ करते हो और अम्मी भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती है उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से है ना क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं मैं तो नहीं थकी जागी हूँ तुम और तुम्हारा वीडियो मेरी बैटरी चार्ज रहती है और फिर मैं भी खुश और तुम्हारे चक्कर में सो भी नहीं पाया हूँ सफर में थकान हो जाती है सफर में तो इसलिए अभी हम लोग जाएंगे सोने इंशाल्लाह आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर मोटे हुए कि दुबले सही है मोटी तो नहीं हुई सही हो नहीं हाँ मैंने भी अम्मी से यही कहा जब है ना सही हो टहली हो ना आप और परहेज भी किया थोड़ा अम्मी बाकी सारी चीजें तो आपको बाद में दिखाएंगे ये भाजी आपकी समधन जी ने आपके लिए स्पेशल भेजी है कि सितारा को खिलाना स्पेशली खेत से मंगा के कटवा के सारी चीजें करा के आपके लिए भेजी है शुक्रिया सीमा भाभी सबसे ज्यादा मुझे खुशी लगी जो पुरानी यादें ताजे कर दी इस शाम को बनाएंगे पापा को भी खिलाएंगे फिर पहले चलेंगे पापा और भाभी से मिलने भाई तो सेट पे दिल्ली अजमेर देखा हाँ सब देखा हम जा रहे हैं अपने घर देखे क्या हाल पड़ा है वहाँ का अस्सलाम वालेकुम ओ ये जब निकाला था तो ये ऐसे ही रह गया था क्या रिजा के बर्थडे का चलो कोई नहीं आ चुके हैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सनी को यहाँ पे बिस्तर कर देते हैं और हम जा रहे हैं नीचे अनबॉक्सिंग करेंगे अभी एक दो दिन रेस्ट करेंगे यहाँ पे लेट हो गए
3:30 बज चुका है फ्रेंड्स, तब से बातें कर रहे थे। भाभी भी आ गई थी, भाभी से भी मिली। आप क्या कर रही हो अम्मी? अम्मी आज खुश तो बहुत होगी आप। खुश नहीं होंगे। चलो सनी भी सो के उठ के आ गया है। घर हरा भरा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। सब खुश है, सब खुश है, अल्लाह सब खुश रहे। और खुशी जो है, कबूतर भी खुश है। और खुशी हमारी डबल है, इतनी बड़ी अल्लाह ने हम सबको खुशखबरी दी है। अम्मी हलवा बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू। हाँ अभी थोड़ा सा चखा मैंने यहाँ पे। बस इस वक्त 6 बजने वाला है और हम जा रहे हैं बाहर। रेहान का कॉल भी आ गया, वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं। उनका ट्यूशन हो चुका है, हमें कल जाना है पासपोर्ट ऑफिस अपने पासपोर्ट के लिए। तो उसमें हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबके जेरोक्स भी लेके जाने हैं। घर के लिए भी कुछ सामान लेना है। हाँ घर के लिए भी सामान लेना है, क्योंकि सारी नहाने का तो डब्बा नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो हमने ढूंढ ढूंढ के काम चला लिया है। लेकिन अभी आते हैं। हाँ हम लोग निकल चुके हैं इतने दिनों बाद एक साथ। एक काम कैंसिल हो गया क्योंकि आधार कार्ड वाली जो शॉप है वो बंद है, क्योंकि आज संडे है। तो कल मॉर्निंग में जाने से पहले हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि सनी कह रहा है जो बड़ा वाला आधार कार्ड आता है ना ओरिजिनल, वो ही लेके जाना पड़ता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। तो अभी रास्ता बंद है क्या? अब क्या करोगे, कैसे मोड़ोगे? मुझे क्या पता, यही रास्ता है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब जब फंस गए ना तो उस बात में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, रास्ता ढूंढना चाहिए। सनी की ड्राइविंग स्किल्स भी ऐसे में बेटर होंगी। ऑल द बेस्ट बेबी। जान दो। बस पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, और यहाँ के ध्यान आया सनी हमसे पूछ रहा है कि गाड़ी जो है वो पेट्रोल है या डीजल, मुझे पता ही नहीं था। अभी भाभी को कॉल किया तो भाभी बोलती है पेट्रोल, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गई। तो अभी भाई को फोन करके पूछ रहे हैं। एक अभी कॉल आया संतोष भैया को, भी रेहान ने कॉल कर लिया तो पता चला कि डीजल है। अगर पेट्रोल भराते थे तो क्या होता? शुक्र है अल्लाह बचा लेता है। इसकी तमन्ना थी ड्राइविंग सीट में बैठने की। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वैसे लोग बाहर का कुछ खा तो नहीं रहे हैं, तो हम और सनी भी इनके साथ नहीं खा रहे हैं, तो हम सब लोग हॉट कॉफी पी रहे हैं। रिजा को इतनी खांसी आ रही है और बोल रही है मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। डांट लगाओ इसे, डांटो। जो काम करने आए थे वो कुछ भी नहीं किए। हम लोग आए थे यहाँ पे बुके लेने के लिए, लेकिन उनके पास रोजेस है लेकिन लिलीज नहीं है। और बुके में ना अगर खुशबू नहीं आए ना अच्छी सी, तो फिर कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे नहीं पसंद तो मुझे देना भी नहीं पसंद। लिलीज नहीं है, है? आरजी से क्या चाहिए? तो मतलब गर्म पानी रखने के लिए। बन ही गया इतनी देर के बाद, बहुत टाइम लगा। ये तुम्हारे लिए। इसको नहीं मोड़ना, इसको पता नहीं टहरी से क्या इशू है। वीडियो बहुत स्पेशल है, ये दिन हम सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल चल रहे हैं। तो इस वीडियो की स्पेशल एंडिंग के लिए हम दोनों यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि आप सबको हमें थैंक यू कहना था, क्योंकि आप सब इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं भाई भाभी को, कि उसका मतलब फिर मैं कहूंगी कोई वर्ड्स में हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। हमें पता था आप लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप सबको भी हमारे जितना ही इंतजार था बहुत सालों से। हम जहां जहां जा रहे हैं ना, वहां वहां पे सारे लोग हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, उनकी खुशी झलक रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली मेंबर है। और हम सबको भी आप मुबारक कह रहे हैं, क्योंकि हम बनेंगे फूफो या बुआ और तुम बनोगे पप्पा, और या फिर वो जो प्यारा सा बच्चा आएगा वो हमें क्या बोलेगा, कोई नया नाम बोलेगा पता नहीं। इंशाल्लाह अभी हम आगे के बारे में इतना ज्यादा कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत मुश्किलों से ये वक्त हम सब ये देख रहे हैं। तो बस आप सबको दुआ करनी है, और हम सब दुआ करेंगे कि ये दिन हर एक लड़की जिसकी भी शादी हुई है, जिसको भी औलाद नहीं है, हर एक इंसान को ये दिन दिखाए। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है आप परेशान मत होना, सालों साल बाद भी करिश्मे होते हैं और अल्लाह औलाद देता है, आप लोग हिम्मत मत हारिए। आमीन। और बस आप सब लोग ऐसी दुआ करते रहिए। हाँ। और भाई भाभी को भी दुआ सब नवाजते रहिए। हाँ। जब तक सब चीज अच्छे से नहीं हो जाती। हाँ। बस अभी हम लोग ज्यादा कुछ भी इस बारे में नहीं बात करना चाहते, नहीं बोलना चाहते, बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है, बस आपकी दुआ चाहिए। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आई लव यू। अल्लाह हाफिज। होने वाले चाचू अल्लाह हाफिज कर लो। अल्लाह हाफिज। होने वाली दादी। और ये
दादी दोनों दादी दादी अच्छा अबे तीसरी दादी आ जाएगी वो पास सबसे बड़ी दादी फिर बीच वाली फिर छोटी वाली दादी अच्छा पप्पा